कल्कि अवतार का रहस्य। गुरुवार को होगा भगवान कल्कि का जन्म। दोस्तों, पुराणों में कल्कि अवतार के कलयुग के अंतिम चरण में आने की भविष्यवाणी की गई है। अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है, लेकिन अभी से ही कल्कि अवतार के नाम पर पूजा पाठ शुरू हो चुके हैं। कुछ संगठनों का दावा है कि कल्कि अवतार के प्रकट होने का समय नज़दीक आ गया है, और कुछ का दावा है कि भगवान कल्कि का अवतार हो चुका है। कल्कि अवतार को लेकर हिंदुओं में यह मतभेद और भ्रम क्यों है? क्या शंकराचार्य इसे स्पष्ट करने की जिम्मेदारी नहीं रखते हैं? वर्तमान में भगवान कल्कि के नाम पर उत्तर प्रदेश में संभल ग्राम में एक मंदिर बना है। उनके नाम पर दिल्ली आदि क्षेत्रों में ऑडियो, वीडियो, सीडी, पुस्तक आदि साहित्य सामग्री का विकास कर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उनके नाम की आरती चालीसा आदि मिलते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सक्रिय वाटिका नामक संगठन का दावा है कि कल्कि अवतार के प्रकट होने का समय नज़दीक आ गया है। इन लोगों का मानना है कि देवी जगत में कल्कि अवतार हो गया है। स्वप्न जागृत और वाणी के अनुभवों द्वारा वे भक्तों को संदेश दे रहे हैं। उनकी महाशक्तियाँ भक्तों की रक्षा के लिए जगत में चारों ओर फैल चुकी है। अब सिर्फ उनका प्रागट्य शेष रह गया है। इसका तात्पर्य यह है कि समय सीमा में बंधा नहीं होता, उसके प्रागट्य के अपने मापदंड होते हैं। हिंदू धर्म के पतन का एक मुख्य कारण यह है कि हर वह कार्य किया जा रहा है जिसका वेदों में उल्लेख नहीं मिलता है। हिंदुओं के एकमात्र धर्म ग्रंथ वेद है। वेदों का सार है उपनिषद, और उपनिषदों का सार है गीता। इतिहास ग्रंथ महाभारत का एक हिस्सा है। गीता, रामायण, पुराण और स्मृतियाँ भी इतिहास और व्यवस्था को उल्लेखित करने वाले ग्रंथ है। पुराणों में बताया गया है कि कलयुग के अंत में भगवान कल्कि अवतरित होंगे। वे एक सफेद घोड़े पर बैठकर आएंगे और राक्षसों का नाश कर देंगे। पौराणिक मान्यता के अनुसार कलयुग 4,32,000 वर्ष का है, जिसका अभी प्रथम चरण ही चल रहा है। कलयुग का प्रारंभ 3,102 ईसा पूर्व से हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि में 0 डिग्री पर हो गए थे। इसका मतलब 3,102 प्लस 2,024 यानी 5,126 वर्ष कलयुग के बीत चुके हैं, और 4,26,874 वर्ष अभी बाकी है। और दोस्तों, अभी से ही भगवान कल्कि की पूजा आरती शुरू हो गई है। कल्कि पुराण के अनुसार कलयुग में भगवान विष्णु कल्कि रूप में अवतार लेंगे। कल्कि अवतार कलयुग व सतयुग के संधि काल में होगा। यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। पुराणों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल नामक ग्राम में विष्णु यशा नाम के तपस्वी ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि पुत्र रूप में जन्म लेंगे। कल्कि देवदत्त नाम के सफेद घोड़े पर सवार होकर पापियों का विनाश करेंगे और धर्म की रक्षा करेंगे। स्कंद पुराण के अनुसार 10वें अध्याय में स्पष्ट वर्णित है कि कलयुग में भगवान श्री विष्णु का अवतार श्री कल्कि के रूप में संभल ग्राम में होगा। अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में कल्कि अवतार का चित्रण एक घुड़सवार के रूप में किया है। वे भविष्य में होंगे। कल्कि पुराण के अनुसार वे हाथ में चमचमाती हुई तलवार लिए सफेद घोड़े पर सवार होकर युद्ध और विजय के लिए निकलेंगे तथा मलेच्छों को पराजय कर सनातन राज्य स्थापित करेगा। पुराणों की यह धारणा है कि कोई मुक्तिदाता भविष्य में होगा। क्या कल्कि अवतार हो चुका है या फिर होने वाला है? दोस्तों, इन सवालों के जवाब हम सनातनी टेल्स चैनल की इस वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वायु पुराण अध्याय 98 के अनुसार कल्कि अवतार कलयुग के चरमोत्कर्ष पर जन्म ले चुका है। इसमें विष्णु की प्रशंसा करते हुए दत्तात्रेय व्यास कल्कि श्री विष्णु के अवतार कहे गए हैं। मत्स्य पुराण के द्वापर और कलयुग के वर्णन में कल्कि के होने का वर्णन मिलता है। बंगाली कवि जयदेव 1200 ईस्वी और चंडीदास के अनुसार श्री कल्कि अवतार की घटना हो चुकी है। महाभारत में भगवान विष्णु द्वारा ऐसा कहा गया है कि जो लोग वेदों को पढ़ते हैं वे लोग उचित रूप से समझते हैं। जब इस धरती पर बुराई का बोलबाला होगा तब मैं एक पुण्यवान व्यक्ति के घर जन्म लूंगा और बुराइयों का नाश करके शांति की स्थापना करने के लिए मानव शरीर धारण करूंगा, और नैतिकता की रक्षा के लिए मैं एक अकल्पनीय मानव रूप धारण करूंगा। पाप के इस युग में मैं एक ऐसा अवतार धारण करूंगा जो काले रंग का होगा। इस अवतार में महान बुद्धि और महान ऊर्जा होगी। दोस्तों, अवतार हिंदू धर्म में एक अवधारणा है, जिसका अर्थ है पृथ्वी पर किसी देवता का प्रकट होना या अवतार होना।
या अवतार लेना। हिंदू धर्म में भगवान ब्रह्मा को ब्रह्मांड का निर्माता बताया गया है। भगवान शिव संहारक है, जबकि भगवान विष्णु ब्रह्मांड के रक्षक है। उनकी भूमिका बुराई और अच्छाई के बीच संतुलन बनाए रखना है। इस संतुलन को बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु ने कई बार पृथ्वी पर अवतार लिया। उन्होंने कुछ लोगों में विभिन्न अवधारणा लिए, जिनमें मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, श्री राम, श्री कृष्ण और अंतिम सबसे विनाशकारी कल्कि अवतार शामिल है। कल्कि को छोड़कर सभी अवतार प्रकट हुए हैं, जो कलयुग के अंत में प्रकट होंगे। ब्रह्मांडी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वह कल्कि अवतार में पृथ्वी पर अवतरित होंगे। भगवान कल्कि अधर्म का पतन करेंगे और धर्म की रक्षा करेंगे। कलयुग से ठीक पहले ऋषि मार्कंडेय ने भगवान से बातचीत की थी, जिसका वर्णन महाभारत में मिलता है। महाभारत पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने लोह युग के सबसे अंधकारमय समय के बारे में बात की थी, जब मानवीय मूल नष्ट हो जाएंगे और झूठ सत्य पर विजय प्राप्त कर लेगा। भगवान विष्णु कहते हैं कि कैसे भी हस्तक्षेप करने और दुनिया को एक नए रास्ते पर लाने के लिए मानव जन्म लेंगे। कल्कि पुराण में भगवान कल्कि के जन्म की भविष्यवाणी का भी वर्णन है। कल्कि पुराण एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है, जो कल्कि के जन्म की परिस्थितियाँ और जन्म स्थान का वर्णन करता है। इसमें उन प्रमुख संकेतों का भी वर्णन है, जो समय के साथ बहुत भयानक और आवश्यक हो जाते हैं। ये संकेत भगवान विष्णु को मानव अवतार के रूप में जन्म लेने के लिए मजबूर करेंगे। कल्कि के जन्म की भविष्यवाणी हजारों सालों से धार्मिक ग्रंथों में की जाती है, लेकिन क्या अवतार का समय आ गया है या फिर अवतार पहले ही हो चुका है, यह अभी भी सबसे बड़ा रहस्य है। महान ज्योतिषी नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी में लिखा है कि दुनिया के उद्धारकर्ता का जन्म गुरुवार को होगा। हिंदू पुराण में ये भी कहा गया है कि वह हिंदू महीने के वैशाखी पूर्णिमा के दिन प्रकट होंगे, कलयुग के अंत से कुछ साल पहले। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि भगवान विष्णु का कल्कि अवतार सबसे प्रतिष्ठित ब्राह्मण विष्णु यशा के घर में प्रकट होगा। वह सिंघल की राजकुमारी पद्मा से विवाह करेंगे। पुराणों में भगवान कल्कि को एक ऐसे अवतार के रूप में वर्णित किया गया है जो अस्तित्व को फिर से जीवंत कर देता है। वह अधर्म को दूर करने के लिए सबसे अंधकारमय और विनाशकारी काल को समाप्त करता है। उन्हें एक सुंदर सफेद घोड़े देवदत्त पर सवार दिखाया गया है, जिसके हाथ में एक ज्वलन तलवार है जो पृथ्वी का बोझ हटा रहा है। भगवान कल्कि सभी बुराइयों का नाश कर पतन का युग समाप्त करेंगे तथा सद्गुणों और विश्व व्यवस्था को पुनः स्थापित करेंगे। श्रीमद् भागवत में वर्णित है कि वे दो युगों के संयोग पर प्रकट होंगे, कलयुग के अंत में और सतयुग की शुरुआत में। चार युगों का चक्र हमारे कैलेंडर में महीनों की तरह घूमता है। सतयुग से शुरू होकर त्रेतायुग, द्वापरयुग और अंतिम कलयुग, जो सबसे अंधकारमय है। इस कलयुग के अंत तक पृथ्वी की आबादी इतनी पशुता में बदल जाएगी कि वे समझ नहीं पाएंगे कि ईश्वर क्या है और आध्यात्मिकता क्या है। इसलिए उस समय जब कोई धार्मिक सिद्धांत नहीं बचेगा, तो उन सभी को मारने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। उस समय कल्कि अवतार तलवार लेकर घोड़े पर सवार होकर आएगा। वह स्वर्ग से भेजे गए राजा की तरह दिखाई देगा। भगवान कल्कि सभी अधार्मिक लोगों और ईश्वर विहीन प्राणियों का संहार करते रहेंगे। दोस्तों, कलयुग के अंत के बाद सतयुग और सत्य और धार्मिकता का स्वर्ण युग शुरू होगा। कलयुग के शुरुआत और समाप्ति की तिथियां एक रहस्य बनी हुई है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और साथ ही जय श्री कृष्ण और जय जगन्नाथ जरूर लिखना। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।